दिल्ली से समय की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीएम अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में है। सीएम अशोक गहलोत इस समय जोधपुर हाउस में मौजूद है और बाहर टिकटों के दावेदार और समर्थक जुटे हुए हैं। लगातार उनसे मिलने के लिए वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और चुनावी समय राजस्थान का सामने है, उसी के चलते तमाम उम्मीदवार और उनके समर्थक इस समय जोधपुर हाउस पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय मौजूद हैं। जोधपुर हाउस में सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं, बाहर टिकटों के दावेदार और समर्थक जुटे हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करना वो चाहते हैं। दो दिन का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली का, और इस दौरान तस्वीरें हमने आपको दिखाई कल शाम की कि किस तरह से समर्थक और अपने उम्मीदवार को टिकट दिलाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। कांग्रेस वॉर रूम के बाहर लोगों का हुजूम था और आज भी कुछ इसी तरह का नजारा जोधपुर हाउस में देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय मौजूद हैं और लगातार वहां पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, टिकटार्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं जो कि टिकट मांग रहे हैं। किस तरीके की तस्वीरें और नजारा इस समय बना हुआ है? और अब देखिए, दो दिन से सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दरबार में मौजूद है, फिलहाल जोधपुर हाउस दो दिन से सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दरबार में मौजूद है, फिलहाल जोधपुर हाउस में वो रुके हुए हैं और अभी मूवमेंट हुआ है, कहीं सीएम अशोक गहलोत का जाने का प्रोग्राम बन रहा है। तो टिकटॉक की जो एक्सरसाइज है, कवायद है, वो पूरी तरह से अब जयपुर से दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है। कल 4 घंटे पूरा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसने एक एक सीट पर 1-to-1 है वो मंथन किया और सामने ये आ रहा है कि सौरभ, कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें 55 नामों पर सहमति बन चुकी है, 55 नाम लॉक किए जा चुके और ये वो मजबूत और स्थापित सीटें हैं जहां पर लगातार विधायक है वो चुनते आ रही है कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो सीएम अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट, हरी चौधरी, डोटासरा, सीपी जोशी, यानी इन उम्मीदवारों की पहली सूची में नाम जारी हो सकते हैं। और एक बार फिर 17 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उस पर और कुछ सीटों पर मंथन होगा और उसके बाद उसी दिन सीईसी या फिर अगले दिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। अभी तक सूचना यही है कि 55 नाम कल स्क्रीनिंग कमेटी में तय हो चुके हैं और अगर सीईसी 17 को होती है तो पहले 55 नामों की सूची जारी की जा सकती है। पहले 70 से 80 नाम यहां पर सामने आ रहे थे, लेकिन जो डी कैटेगरी की सीटें हैं जहां पर कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, उनके नाम फिलहाल पहली सूची में रोके जा सकते हैं। उन पर और एक्सरसाइज और मेहनत है, उसकी कवायद जारी है। और यहाँ पर पहले जो माहौल है वो दिखा देते हैं। यहाँ पर जो दावेदार है वो जोधपुर हाउस के बाहर मौजूद है, काफ़ी तादाद में उनके समर्थक है, उनका यहाँ पर मजमा लगा हुआ है। और थोड़ी देर बाद सीएम अशोक गहलोत अगर बाहर आते हैं तो जैसा कि वो लोगों से मिलते हैं, बायोडाटा लेते हैं, तो इनकी बात यहाँ पर सुनेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि कल 55 नामों पर सहमति बन चुकी है, 55 नामों को लॉक किया जा चुका है और अभी और एक्सरसाइज उन सीटों पर जहाँ पर 2, 3, 4 या उससे लगातार यहाँ पर हारे। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि जिन विधायकों की परफॉर्मेंस कमज़ोर है उनका टिकट अगर काटा जाए तो किस तरह दूसरे को मौका दिया जाए और किस तरह वहाँ पर जीत दर्ज की जाए, इसको लेकर अभी मेहनत की जा रही है। अन्य सहयोगी दलों के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए, किया जाता है तो कितनी सीटों पर और किन किन दलों के साथ कर रहे हैं, तो सभी फैक्टर पर, सभी समीकरणों पर सौरभ यहां पर कवायद हो रही है ताकि 30 साल बाद जो सरकार बदलने का रिवाज है, हर 5 साल बाद, उसको कैसे रोका जाए, ये कोशिश यहां पर की गई। दिल्ली से लेकर जयपुर तक हर बड़े नेता ने दावा किया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट दिया जाएगा, लेकिन उम्मीदवारों की पहली सूची का इंतजार करते हैं, उसके बाद खुलासा हो जाएगा जो दावे किए गए थे वो कितने सही साबित हुए। तो यहाँ पर समर्थक और टिकट के दावेदारों में काफी जोर से बात करते हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं और कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? सर, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से, और लगातार 30 वर्ष से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा मैं, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, स्टेट का दो बार पीसीसी मेंबर, किसान कांग्रेस का मतलब वार्ड से लेकर प्रदेश तक रहा और लगातार क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूँ। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से अपना दावा तो क्या लगता है पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी, युवाओं को कितना मौका देगी? उम्मीद तो ये है कि राहुल गांधी जी के हिसाब से चलते पार्टी युवाओं को मौका दे, लेकिन लगातार जो गत वर्षों से हो रहा है कि एक ही कैंडिडेट को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि आप 2 बार टिकट दे दिया, फिर उसी को आप चेयरमैन बना दो, उसी को
संगठन में पद दे दो, तो इस तरह की परिपाटी से कार्यकर्ता का दिल जो टूटता है वो निश्चित रूप से नुकसानदेह है, पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए मैं सभी पार्टी के आला नेताओं से कहना चाहता हूं कि धरातल पे ध्यान रखते हुए कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई बरकरार रहे, तो जो नए चेहरे को क्षेत्र में उतारा जाए ताकि वापस राजस्थान में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन सके। बिल्कुल, संभावित उम्मीदवारों की आहट से यहाँ पर कह सकते हैं कि सौरभ वो लोग भी पहुँच रहे हैं जिनको टिकट दिया जा सकता है, उनका भी विरोध शुरू हो चुका है। कल मंत्री जाहिदा कामा का आपने देखा, दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार उनका विरोध हो रहा है, उनके समर्थक भी आए, आमने सामने होने की नौबत यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि अब टिकटों की जो टिकटिक है उसका कह सकते हैं कि समय पास आ गया है, काउंट डाउन यहाँ पर शुरू हो चुका है और 17 अक्टूबर को ज़्यादा दिन अब यहाँ पर नहीं है जब टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि कल पूरी कांग्रेस 12 जिले में रहेगी, ERCP को लेकर जनजागरण यात्रा का आगाज होने जा रहा है, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसकी शुरुआत करेंगे जिसमें तमाम नेता मौजूद रहेंगे, उसके बाद ये नेता 17 या 18 अक्टूबर को दिल्ली आएंगे, एक बार फिर स्क्रीनिंग कमेटी में बैठेंगे, फिर टिकटों की स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद CEC होगी, क्योंकि CEC की बैठक के बिना कांग्रेस में परंपरा है टिकटों का ऐलान नहीं होता। 3 राज्यों की लिस्ट आज कांग्रेस ने जारी कर दी है। शुभ मुहूर्त, जैसा कि हम बता रहे थे, नवरात्र में ही कांग्रेस एक मैसेज देना चाहेगी उम्मीदवारों का ऐलान करके, तो 3 राज्यों के उसने कैंडिडेट उतार दिए हैं। अब इंतजार राजस्थान के रण के उन उम्मीदवारों का हो रहा है कि वो सूची जारी होगी, तो हजारों की तादाद में समर्थक है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। यूथ कांग्रेस, NSUI, तमाम जो अग्रिम संगठन हैं उनसे भी उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं, उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन को ये नाम दे दिए हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि अन्य दलों के कुछ नेता हैं उनसे भी बातचीत हो रही है, BJP के एक कदावर मंत्री है और जिनका टिकट कटा है एक किशनगढ़ से, इस तरह के नेताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है कि राजनीति में किसी तरह की रणनीतिक चूक कांग्रेस पार्टी इस बार नहीं करना चाहती और एक ही क्राइटेरिया रखा है कि जो जिताऊ टिकाऊ होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। इस बार लगातार 2 बार हारने वाले या जिनकी उम्र ज़्यादा है या पिछला विधानसभा चुनाव भारी अंतर से हारे थे वो कोई क्राइटेरिया टिकट के पैरामीटर और मापदंड यहाँ पर सौरभ नहीं रखे गए हैं। जो सर्वे रिपोर्ट में जीतेगा, जिसकी बड़े नेता तरफदारी और सिफारिश करेंगे उसी को टिकट मिल सकता है, जैसा कि हमेशा रहे हैं। और टिकट में एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फ्री हैंड दिया जा सकता है, करीब 120 के आसपास या उससे जा सकता है उनकी भूमिका हो सकती है, इस तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। तो तमाम जो अनुभवी नेता है उन्होंने कल सीटों पर मंथन किया, चाहे CP जोशी हो, सचिन पायलट हो, 3 सह प्रभारी मौजूद थे, अपने अपने प्रभार वाली सीटों के बारे में फीडबैक बताया। बाकायदा ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई है, अगर इसको टिकट दिया जाता है तो ये हो सकता है, इसको अगर उम्मीदवार बनाते हैं तो ये संभावना सिचुएशन हो सकती है। इस तरह पूरा एक सर्वे रिपोर्ट, पूरा एक पुलिंदा है सौरभ, वो यहाँ पर तैयार किया गया है, क्योंकि BJP 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, आचार संहिता लगी उसी दिन। तो अब कांग्रेस के प्रेशर यहाँ पर बढ़ चुका है कि उम्मीदवारों की घोषणा में ज़्यादा देरी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार अग्रेसिव और समय पर चुनावी तैयारियां शुरू की। आपने देखा तमाम इलेक्शन से जुड़ी जो कमेटियां थी उनका समय पर गठन किया, कैंपेन उन्होंने शुरू किया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे की सभा हो चुकी है। लेकिन टिकटों में जाहिर सी बात है सौरभ कह सकते हैं कि देरी यहाँ पर हो रही है और उम्मीदवारों का ऐलान जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि अगर कहीं विरोध होता है तो उसको फिर डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। एक तस्वीर आपने देखी कि अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ फिर भी विरोध की सुगबुगाहट है शुरू हो चुकी है, जो कह सकते हैं कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। टिकटों के बंटवारे के बाद हालात और नजारे क्या होंगे ये गौर करने वाली बात होगी सौरभ। बिल्कुल, एक क्योंकि चुनावी समर है, विरोध और समर्थन का दौर भी चलेगा, ऐसे में यही मेरा सवाल था कि जो तस्वीरें बाद की होनी चाहिए थी वो लिस्ट आने से पहले की हो गई है, तो ऐसे में कोई समिति, कोई, क्योंकि डैमेज बहुत बड़ा हो सकता है, उसको कंट्रोल करने की क्या कुछ रणनीति कांग्रेस के खेमे में इस समय? जी देखिए सौरभ, कांग्रेस के अंदर तो ये कह सकते हैं कि एक आम बात हो चुकी है, एक सदाबहार समस्या हो चुकी है, टिकट बंटवारे से पहले ऐलान के बाद भी विवाद की तस्वीरें हैं वो हमेशा आती है, यहाँ तक कि पार्टी दफ्तर में हंगामा तक हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है और पहले भी ऐसा हुआ है। तो कांग्रेस ने उसका बैकअप प्लान क्या तैयार किया है, किस तरह वरिष्ठ नेता डैमेज कंट्रोल करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले लिस्ट का इंतजार है, इसीलिए संभवतः पहली सूची छोटी यहाँ पर भेजी जा रही है, जैसे प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, ममता भूपेश, विजेंद्र ओला, राजकुमार शर्मा, रोहित बोरा, ये लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, विधायक
जीतते आ रहे, तो वहाँ दूसरा दावेदार भी नहीं है, विरोध की ज्यादा गुंजाइश वहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में इसी के चलते कि पहली सूची जारी की जाए, किसी तरह का विवाद क्रिएट यहाँ पर नहीं हो, इसलिए ये लिस्ट को शायद छोटा किया जा सकता है। इसके पीछे यही रणनीति है कि विवाद होने से मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, और विवाद नहीं हो तो गैर विवादित सीटों पर उम्मीदवार है उनको पहले घोषित कर दिया जाए, इसके मंशा पीछे यही दिख रही है। दिनेश, मुख्यमंत्री इस समय जोधपुर हाउस में मौजूद हैं और ऐसी खबरें भी आ रही है कि कई वरिष्ठ नेताओं से वो आज मुलाकात भी कर सकते हैं। सबसे पहला नाम तो अजय माकन का सामने आ रहा है, फिलहाल उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, उनका कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, उनसे मिलने का प्रोग्राम है अजय माकन से, और पहले वो राजस्थान के प्रभारी भी रह चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव में कई तरह का फंडिंग मैनेजमेंट है वो काम होता है, और आचार संहिता की कई तरह के जो टाइट स्ट्रिक्टली नियम है कि जिस तरह पैसों के खर्चों का, तो ऐसे में सारा है पार्टी के कोषाध्यक्ष है या पार्टी के फंड से है वो खर्चा वहन किया जाता है, तो किस तरह उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, किस तरह उम्मीदवारों की आर्थिक मदद की जाए, वो सब आचार संहिता की गाइडलाइन का पालन करने की दिशा में जरूरी हो चुका, तो इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या अन्य जो आर्थिक मामलों के जानकार है उनसे मदद यहां पर ली जा रही है। इसके अलावा कुछ और नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं सीएम अशोक गहलोत, अभी यहां पर मूवमेंट हुआ है, मैसेज हुआ है, सीएम अशोक गहलोत संभवतः जोधपुर हाउस से बाहर निकलेंगे और देर शाम तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली से जयपुर लौटने का कार्यक्रम यहां पर बताया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो रूटीन फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सीपी जोशी है, वो भी यहां पर मौजूद है, सचिन पायलट है, वो भी यहां पर मौजूद है, प्रभारी रंधावा है, ये तमाम दिग्गज नेता मौजूद है। अंदर खाने या टेलीफोनिक इनकी बातचीत यहां पर जारी है, और जो पहली धन्यवाद दिनेश तमाम जानकारी के लिए।